शहजाद, एक जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया में ले लेती हूँ, उसके बाद अखिलेश जी आपसे एक एक करके सभी का मैं जवाब दूंगी। आप लोग भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी के घर के भीतर की ये स्थिति है वो तो आपको लेकर देखिए, गडकरी जी किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं लोकतंत्र को लेकर और दुनिया भर की दूसरी चीजों को लेकर, आप लोगों के अंदर ये खुशी क्यों है शहजाद, कांग्रेस के भीतर अगर ये सब कुछ चल रहा है तो? देखिए, एक तो मैं बता दूं कि ये कांग्रेस का कौन बनेगा अग्निवीर नहीं, कांग्रेस का कौन बनेगा परिवार का हीर। यहाँ पे होड सिर्फ परिवार के हीर बनने की होती है, इसलिए मैंने तो कहा है INC को इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं आई नीड कोटरी कहना चाहिए, या AICC में ऑल इंडिया चमचा कमेटी कहे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये चमचों की ही कमेटी बन चुकी है। मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ। पहले तो इन्होंने कहा कि देखिए, हमारे यहाँ हर 5 वर्ष में 4 वर्ष में चुनाव होते हैं। ये जो जितेंद्र प्रसाद का आखिरी चुनाव जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये इंडिया टुडे की ही स्टोरी है, मैं आपको बताता हूं, जो फाइल की गई है सुमित मित्रा के द्वारा, और उसमें जितेंद्र प्रसाद उनको कहते हैं, मैं कोट पढ़कर सुनाऊंगा उनका, वो कहते हैं कि इस चुनाव में, हाँ, इसमें कहते हैं कि आफ्टर गिविंग मी एन इनिंग्स डिफीट माई साइट पॉसिबली मेक्स हर सोनिया फील रीअश्योर्ड द मैच वॉज फिक्स्ड बिहाइंड माई बैक। जिस चुनाव को ये लोग उदाहरण के रूप में पेश करते हैं कि ये बहुत अच्छा चुनाव हुआ था, ये आखिरी चुनाव हुआ था, ये भी फिक्स्ड मैच था। मैं आपसे पूछता हूं कि सीताराम केसरी की जब धोती फाड़ कर उनको बाहर निकाला उसके बाद सोनिया जी अध्यक्ष बनी तो कौन सा चुनाव हुआ, और 98 से लेकर 2022 मैं आपको बताता हूं, राजेश पायलट तो उतरे थे ना उनके खिलाफ, वो प्री सोनिया था, जैसे BC और AD होता है ना, तो BC में जब प्री सोनिया था तब तो चुनाव होते, महात्मा गांधी के जमाने में पार्टी परिवार थी, राहुल के जमाने में परिवार के 2.5 लोग पार्टी बन चुके हैं। अब सुन लीजिए, उनकी पार्टी को जोड़ कर रखा है तो क्या दिक्कत है? जी हाँ, ये अमेठी को जोड़ ले पहले, यूपी को जोड़ ले पहले, जहां पे चुनाव लड़ते हैं, जहां से अस्तित्व उनका उभरता है, वो तो जोड़ नहीं पाए। मुझे दो तीन फैक्ट रखने दीजिए, उसके बाद आप डिबेट चलाइए आगे। 98 से लेकर 2022 24 वर्ष का कार्यकाल, इनके यहाँ अध्यक्ष माँ, माँ के बाद बेटा, बेटे के बाद माँ, हमारे यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे, जनक कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, LK अडवाणी, राजनाथ सिंह, गडकरी जी, राजनाथ सिंह, अमित शाह जी, JP नड्डा। अब ये कहेंगे आपके यहाँ कौन सा चुनाव होता है, मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पर यही आज तक विश्वसनीय चैनल है ना, आज तक के नवनीत मिश्रा ने ये 2019 में रिपोर्ट फाइल की है। रिपोर्ट का नाम है कैसे चलता है BJP का संगठन राष्ट्रीय चुनाव के अध्यक्ष, उसमें धारा 19 के तहत कैसे राष्ट्रीय परिषद, प्रांतीय परिषद चुनाव का एक जो इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनता है, कैसे चुनाव होते हैं हर स्तर का, वो पूरा डिटेल आपको मैं आज तक का ये आर्टिकल भी दे रहा हूं। परंतु उसके अलावा नड्डा जी के चुनाव की बात करते हैं, ये प्रेस विज्ञप्ति है जो इलेक्शन कमीशन को भी जाती है। 75% बूथ समिति का गठन किया गया, 50% मंडल समितियों का गठन किया गया, 60% जिला कमेटियों का गठन किया गया, 21 प्रांतों में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हुए, संविधान तहत हमारे आर्टिकल 19 तहत विधिवत तरीके से, उसके बाद JP नड्डा जी के चुनाव की तिथि का ऐलान किया गया, उसमें JP नड्डा जी चुनकर आए हैं। ये हर हमारे यहाँ पर जिस प्रकार की चुनाव की प्रक्रिया होती है, आखिरी बात आपके वहाँ जो चुनाव होता है उसमें एक ही दो चेहरे नजर आते हैं। ये चुनाव नहीं, यहाँ पर मुगल स्टाइल सल्तनत ताजपोशी होती है, प्री डिसाइडेड। मैं आपको बताता हूँ, इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं, फैब्रिकेटेड एंड फेक होता है। मैं तो खुद चुनाव लड़ना चाहता था, मेरे साथ क्या किया, मैं आपको बताऊँ क्यों। आनंद शर्मा ने जिक्र किया, मैंने किया था, उन्होंने मुझे दूध में से मक्खी निकालते वैसे फेंक दिया। क्यों? क्योंकि ये डेलीगेट कैसे इलेक्ट होते हैं और फिर ये डेलीगेट कैसे चुनाव लड़ते हैं, इसकी प्रोसेस संविधान में कांग्रेस के इसको फॉलो करती है। इनको बताइए, इनको पहले पता भी है, इनको पहले पता भी है डेलीगेट कैसे इलेक्ट होते हैं, इनको पूछे डेलीगेट इलेक्ट कैसे होता है, बता दीजिए। सुनिए, इलेक्टोरल रोल जिसमें गड़बड़ी की शिकायत आनंद शर्मा भी कर रहे हैं। चित्रा जी, आप हो या शहजाद की बात पर मैं जाइए, आनंद शर्मा भी बता रहे हैं गड़बड़ाइए। आप दोनों लोगों के सबकी बात का जवाब दे रहा हूँ। सूप तो सूप छलनियों बोले जेब में 72 छेद, बता दे कब चुनाव हुआ है BJP में, कब हुआ है चुनाव जिसको बोलते हैं, हर बार वोट पड़ा। अरे सुनो, एक मिनट प्लीज, बीच में नहीं, कब कौन लड़ा चुनाव, नड्डा जी कब लड़ा, कौन लड़ा, नड्डा जी के खिलाफ कौन लड़ा, उसके पहले वाले खिलाफ कौन लड़ा, कौन पर्चा दाखिल किया, बीच में नहीं। एक बार आप बताइए, जब से BJP RSS बनी है कभी चुनाव हुआ? छलनी बोलेगी हम लोगों को कि जो है चुनाव नहीं होते हैं। अरे कब नहीं चुनाव हमारे यहां हुआ? और सुनिए,
जल्दी से सरकार सरकार में बैठे सरकार में बैठे हुए एक सेकंड सरकार सरकार इस देश को बर्बाद कर रही है। चित्रा जी मैं जवाब दूं, उसकी चिंता नहीं है। कांग्रेस के चुनाव में बीजेपी परेशान है। चित्रा जी मैं जवाब दूं, चुनाव कांग्रेस के चित्रा जी सरकार अरे हां चित्रा जी मैं जवाब दूं, पढ़ा मैं जवाब कब वोट पड़ा मैं बता रही हूं, कब वोट पड़ा मैं आपको बता रहा हूं। भाई मैं बता रहा हूं चित्रा जी कैसे अगर चीख ही डिबेट करनी है तो मैं चीख कर भी डिबेट कर सकता हूं। हां बिल्कुल 98 से लेकर 2022 तक 7 चुनाव हुए हैं हमारे यहाँ पर, हर स्तर पे, मंडल स्तर पे, बूथ स्तर पे, प्रदेश स्तर पर। अरे भाई अध्यक्ष, अच्छा चित्रा जी चुनाव कौन, चित्रा जी मैं जवाब दूं, ये बीच में बोलते रहेंगे। मैं चित्रा जी आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर सारे स्तरों पर जब इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टोरेट, हाँ हाँ मैं पूछ बता रहा हूँ, फिर आई डेट के आपको नामांकन भरना है। नड्डा जी ने नामांकन भरा, उनके सामने अगर किसी ने नामांकन नहीं भरा सर्वसम्मति से हुआ, इसका मतलब ये नहीं चुनावी प्रक्रिया नहीं हुई। पर मैं इनसे पूछ रहा हूँ, इन्होंने कहा चित्रा जी देखिए से कोई फायदा नहीं, एक एक करके इन्होंने कहा इन्होंने जितेंद्र प्रसाद वाला, मैंने इंडिया टुडे की रिपोर्ट दिखाई है कि कैसे उन्होंने कहा कि फिक्स्ड मैच था, और ये आज तक की रिपोर्ट है कि बीजेपी में कैसे चुनाव होते हैं। ये क्या झूठे हैं क्या आज तक और इंडिया टुडे वाले।